कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। मुझे मेरे हिस्से की जमीन बेच लेने दो। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, पुष्ट करना बन अनजाना। माटी माटी क्या किया तूने मेरे लड़की के साथ? कुछ नहीं किया ताई। एक तो तेरी पोती ने धक्के मार के उसको नीचे गिरा दिया, ऊपर से चपेट मार दी तूने। अरे तेरी कुड़ी की इज्जत लूट के फरार हो गया बदमाश वो। मेरी तो सारी लाइम लेडी चुरा के लेगी कमल की बच्ची। भाग्या? पर क्यों? जी उसे पता चल गया होगा किसी और लड़के ने उसे खराब किया है। कमल को बोल कि आराम से घर बैठे। हाँ जी मैं बोल दूंगी, पर आगे क्या करना है ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। उन्होंने तो बोल दिया कि कुड़ी ले जानी है एक दिन, बात भी तो आगे बढ़ानी पड़ेगी ना हमको। ओ तू फिक्र मत कर, मैं आज ही बेबी और जगदार बेटी से बात कर लेता हूँ। जो भी करना है ना जल्दी कर ले, ऐसे मामलों में देरी नहीं होनी चाहिए। ओ भाई मंडी जा रहा हूँ, मंडी से लौट कर सभी बातें आज कर लूंगा, ठीक है? देख पुत्र जिस घर में तू जा रही है ना उस घर में कमल भी जा रही है, आज नहीं तो थोड़े दिन के बाद। बड़ी किस्मत की बात होती है पुत्र जब दो बहनों को उम्र भर का साथ मिलता है। मुझे पता है चाची जी, उसने मेरा पीछा थोड़ी छोड़ना, बचपन से हर चीज पे ना उसको जलसी होती है मेरे से। अब ससुराल भी आ जाएगी मेरे पीछे पीछे। ऐसा नहीं कहते पुत्र, वो तेरी छोटी बहन है। बहन नहीं है, दुश्मन है मेरी। सगाई मेरी हुई है और मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। सभी लोग कमल कहाँ है, कमल किधर है, कमल किधर है। वो इसलिए पुत्र जी क्योंकि तू उस घर की मालकिन है और तेरे मुकद्दर से ही ना कमल की लॉटरी खुलने जा रही है, समझे? मैं कह रही हूँ चाचा जी, बहन मैं यहाँ पे हूँ, वहाँ पे जिठानी बनूंगी और गिन गिन के बदले लेने मैंने उससे। ठीक है पुत्र, ठीक है तेरी मर्जी। देख भाई हमने तो उसको तेरे हवाले कर देना, उसके बाद तेरी मर्जी जो जी में आए वो करना, ठीक है? देख लो चाचा जी, फिर मत कहना। अरे नहीं कहूंगा भाई, नहीं कहूंगा। अच्छा तू अपनी चाची से बातें कर, मैं मंडी होकर आता हूँ। ठीक है पुत्र, ओके चंगा मरीज। है कहाँ वो जल कुकड़ी? अपने कमरे में होगी, मैंने देखा वहाँ पे नहीं थी वो। छत पे होगी पुत्र। वहीं पे होनी है, देखती हूँ मैं। हेलो। सच्ची बता रही हूँ जसबीर, जब तेरे डैडी ने बोला ना तो मेरा दिल तो धक से ही रह गया, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। मिल गया ना सरप्राइज, कैसा लगा? तेरे को पता था कि तेरे डैडी ऐसी बात करने वाले हैं हमारे रिश्ते के बारे में? हाँ मेरी बात हुई थी उनसे, उनने मुझे बोला था कि मैंने ही बात बिगाड़ी है, मैं ही बनाऊंगा। पर मेरे को ये नहीं पता था कि वो तेरे डैडी को कल बोल देंगे, और इस बात का किसी को नहीं पता था। सच्ची तेरे डैडी बहुत अच्छे हैं। अब तो खुश है ना तू? सच्ची बहुत खुश हूँ। पता है तेरे को, तेरे जाने के बाद मेरे को इतना रोना आया, मेरी तो हिचकियाँ ही बंद नहीं हो रही थी। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तेरी कौन सा कल डोली उड़ जानी है? पता नहीं क्या बात है पर मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। तू रोया ना कर, और तेरे जैसी लड़कियां रोती अच्छी ही नहीं लगती। और तुझे पता है मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि तू रोती भी है। अच्छा ऐसी कौन सी लड़की है जो रोती नहीं है? भाई मुझे तो ऐसे ही लगता था कि तू ऐसी ही है। क्यों मैं तेरे को लड़की नहीं लगती? हाय तू तो मेरे को बिंदास लगती है।
जैसे बंदूक से निकली हुई गोली सामने वाले के सीने में जाके ठा देना लगे। चल जा, फिर तो तू समझा ही नहीं मेरे को अभी तक। तो समझा देना, मिल मुझे कल। कल? कल तो मुश्किल है। किससे बात कर रही है? किसी से नहीं। मुझे पता है जसबीर ही होना उसी तरफ। हाँ तो? तुम दोनों की ना मैं लगाम की बात करा दी। हेलो। हेलो, कौन है? वो पिंदर तेरे से बात करना चाहती है, कराऊं? हाँ करा दे। हेलो। नमस्ते भाभी। नमस्ते के लगते? मेरी बैंड के पीछे क्यों पड़ा? अरे भाभी आपको क्या पता कौन किसके पीछे पड़ा हुआ है? जिसके भी कोई भी पीछे पड़ा हो, पर तुम दोनों ने ना मेरी लाइमलाइट चुरा ली। सॉरी भाभी, मैं हर जाना देने को तैयार हूँ। वो तो तुझे देना ही पड़ना है, देखना भूल मत जाना। आपने भूलने देना है, आखिरकार कमल की बड़ी बहन जो ठहरी। हाँ, अगर इसे कुछ कहा ना तो अच्छी खबर लेनी मैंने तेरी। चल निहाल से बात करा। निहाल तो है नहीं। अब तेरे से क्या बात करनी है, चल फोन काट। भाभी ज्यादा फोन मत किया कर। अब फोन क्यों काट दिया? और कितनी बात करेगी? और तू जो बातें करती है निहाल से वो मैं तुझे बाद में बताती हूँ, पहले नीचे चल। क्यों? मेरे हिस्से की ना सारी खुशियाँ तू ले जाती है, तुझे ऐसे थोड़ी छोड़ना। मैंने पता है मेरे को जेठानी तो तू जालिम ही बनेगी, कम से कम बहन बन के माफ तो कर दे। ऐसे नहीं छोड़ना मैंने तेरे को, मुआवजा देना पड़ेगा तुझे। चल। वो कह रहा था कल रत्तों की शादी तो हुई थी पर बाद में लड़का उसे छोड़ के भाग गया। ऐसी क्या बात हो गई? उसे पता चल गया था कि शहर के लड़के कारों में लेने आते हैं उसे। दिमाग खराब है उनका। अभी ये बात मुरिंडा खरड़ नहीं पहुंची, अगर मुरिंडा खरड़ वालों को इसकी भनक भी लग गई ना तो जसबीर तो छोड़ निहाल के लिए भी मना कर देना उन्होंने। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब, तुम ही हो जिंदगी अब, तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। अरे वाह हरजीत, तुझे तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। हाँ हरजीत, वाकई तू बहुत अच्छा गाता है। चल बहुत होगी मेरी तारीफ, अब तू सुना। मैं? हाँ भाभी, भैया को कैसे पिटाया था? अब ये किसे पता किसने गाया और किसने फसाया? आपने ही गाया होगा भाभी, हमारा वीर तो कुटाई खा के आया है। और फिर भी हाथ के पीछे आया, ऐसा क्या जादू कर दिया आपने? अच्छा सिमरन, तू बड़ा बोल रही है आज। गा ना भाभी, देख सब कितने खुश है। और तो किसी का पता नहीं, तू और बिंदर बड़े खुश हो। चलो गाना वाना तो मुझे आता नहीं है, चल टप्पे सुनाती हूँ। हाँ। निहाल को वीडियो कॉल पे ले ले। क्या बात है बिंदर, निहाल के बिना तेरा मन नहीं लग रहा? नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। तू लगा ना। हाँ लगाती हूँ। सिमरन निहाल, ओ निहाल, तेरा फोन आ रहा है। अरे बिंदर का वीडियो कॉल आ रहा है। सच्ची बता? हाँ बात कर। हाय निहाल।
हाय विंदर। भाभी तुमसे बात करना चाहती है। वाह सब लोग इकट्ठे हैं। हेलो भाभी नमस्ते। नमस्ते। अरे क्या बात है छोटा भीम भी है साथ में। अरे भाभी मैंने क्या जाना है। भाभी बड़ी महफिल जमा रखी है। हमने एक बात पूछनी थी तुम लोगों से। एक डाउट हो गया हमें। डाउट क्या डाउट हुआ। यही कि तुम दोनों भाई तोतला बोलते हो। हाँ भाभी उन्होंने तो हमारी तोतली जुबान सुनकर ही हमें पसंद किया। हमें थोड़ी ना पता था हमने नहीं देनी ऐसे लड़कियाँ। हमने तो ठोक बजा के तसल्ली करनी है। ठीक है भाभी कर लो तसल्ली। तो ठीक है गा के सुना। मैं हाँ तुम दोनों की आवाज सुननी है हमने। अरे मुझे गाना नहीं आता। तो भूल जा बिंदर को। भाभी मेरा क्या होगा। तेरे पे तो डबल फाइन लगना है। निहाल के बदले का भी तुझे ही सुनाना पड़ेगा। तो ठीक है भाभी हो जाए कंपटीशन। मैंने भी सुना कि कमल की भाभी हलकलाती हैं। अच्छा तेरे को मैं हकली दिखती हूँ। तो हो जाए कंपटीशन। तो सुन चिट्टा कुकड़ बने रे ते काशनी दुपट्टे वाली ये मुंडा आशिक तेरे ते दो कारा बाजार आई दो कारा बाजार आई छिड़कना देवी सोनिए अखा करन दीदार आई आलू मटर पकाए हुए ने साडे नालो बटन चंगे जेड़े सीने नाले लाए होए ने लाल सूट ना पाया करो लाल सूट ना पाया करो नजर लग जाऊंगी करो बार ना जाया करो गड्डी चल दिए तारा ते अगे माया नित मिलदे हुण मिलदे करारा ते जुगनू की सितारा था जुगनू की सितारा था तेरे नाम पे जो चमका वो नाम हमारा था थोड़े नाल कोई वैर नहीं कल मेरी मन्या करो नहीं ते थोड़ी खैर नहीं कल मेरी मन्या करो थोड़ी खैर नहीं इस गल दाता रोना है इस गल दाता रोना है हुक्म चला दिए कहंदी तू मेरा सोना है अस मानी सत तारे असी मुंडा ओ लेना जेड़ा सेरे चो अख मारे आसमानी सत तारे आसमानी सत तारे असी कुड़ी ओ लैनी जेड़ी लहंगे विच लत मारे क्या कह रहे हो आप वही जो अपने कानों से सुन के आया हूँ मगर मेरी तो कमला से सुबह बात हुई थी उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ मेरी भी अभी शंकर से बात हुई है वो कह रहा था कल रत्तों की शादी तो हुई थी पर बाद में लड़का उसे छोड़ के भाग गया ऐसी क्या बात हो गई उसे पता चल गया था कि शहर के लड़के कारों में लेने आते हैं उसे दिमाग खराब है उनका वो गाँव के लोग हैं उन्हें जो आंखों से दिखाई देता है ना उसे ही सच मानते हैं अरे ऐसा क्या देख लिया उन्होंने देखा है किसी ने रत्तों के साथ जसबीर को जाते हुए नहीं देखा पर तेरे लाडले को उसके पीछे जाते हो तो देख लिया ना ये तो जी का जंजाल हो गया जब लगता है सब कुछ ठीक हो गया इनसे पिंड छूटा फिर कोई नया बवाल शुरू हो जाता है कुछ दे दवा के दफा क्यों नहीं करते इन्हें अब ये इतना आसान नहीं है अगर हम अब ऐसा करेंगे तो इन्होंने भी चुप नहीं बैठना क्या कर लेंगे हमारा औकात है उनके कुछ करने की कर तो कुछ नहीं सकते पर अगर बात खुल गई ना तो हमारी बहुत बदनामी होगी ये तो अजीब मुसीबत होगी समझ नहीं आता क्या करें अभी तो मैंने शंकर को समझा दिया है पर इस बात का कोई ना कोई इलाज तो करना पड़ेगा
कहीं दूर नहीं भेज सकते इनको? इनको बोलो अपनी लड़की को लेकर कहीं दूर चले जाएं। कहाँ भेजूं? और कौन जाता है इस तरह? आपको क्या लगता है कि सचमुच अपनी जस्सी ने रितु के साथ ऐसा कुछ किया? अभी कुछ कह नहीं सकता। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। यकीन नहीं होता मेरा जस्सी ऐसा कुछ करेगा। इतना पढ़ लिख कर ये संस्कार दिए मैंने उसे। नहीं नहीं, जरूर वो लड़की झूठ बोल रही है। मेरा जस्सी ऐसा नहीं कर सकता। अरे डायन है वो, चिंबड़ गई है मेरे बेटे को आके। तो तेरा लाडला कार लेकर उसके दरवाजे पे क्यों गया? अरे मत मारी गई उसकी, और क्या कहूँ। शुक्र है अभी ये बात मुरिंडा खरड़ नहीं पहुंची। अगर मुरिंडा खरड़ वालों को इसकी भनक भी लग गई ना तो जसबीर तो छोड़ निहाल के लिए भी मना कर देना उन्होंने। किस कुड़ी के साथ किया था मेरे मुंडे का ब्याह? हाँ जी क्या रहा तो पहुंच हो उसके ससुराल तेरा। ओ हाँ छोड़ इसका, कहाँ लेके जा रहा है? ओए कहीं भी ले जाओ, तुझे इससे क्या? ब्याह दिया ना तूने अपनी कुड़ी को? बाप की कोई बेटी नहीं है ना, बाप क्या जाने इस माँ का दर्द जिसकी बेटी खराब हो गई हो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या कर रहे हो? आज माँ पर बड़ा प्यार आ रहा है, क्या बात है? कुछ चाहिए क्या? नहीं कुछ नहीं चाहिए। फिर? मम्मी मुझे बहुत रोना आ रहा है। रोना आ रहा है? किस बात पे रोना आ रहा है? मुझे नहीं जाना आप लोगों को छोड़कर। ये तो दुनिया की रीत है पुत्र, लड़कियों को अपने घर जाना ही होता है। क्यों? लड़की नहीं आ सकती अपना घर छोड़कर? आ सकते हैं, हम तो तैयार हैं। तो पूछ लेने हाल से, अगर वो तैयार है घर जवाई बनने के लिए तो? उसने क्या करना है यहाँ पे आके? उसका क्या काम है? फिर यही तो बात है बेटा, लड़कियों को ही एक घर छोड़ के दूसरे घर जाना पड़ता है। वहां पे जाके एक नई दुनिया बसानी पड़ती है, जैसे तू बसाएगी निहाल के साथ कनाडा जाकर। पर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, कैसे करूंगी ये सब? जरूरत सब कुछ सिखा देती है पुत्र, निहाल कितना अच्छा लड़का है। मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों ने बहुत अच्छी गृहस्थी निभा लेनी है। पर मम्मी आप कैसे रहोगे मेरे बगैर? इस बारे में हमने पहले बात की थी ना, तू हमारी चिंता छोड़ और अपने भविष्य का सोच। मुझे नहीं पता, बस मुझे आप दोनों का ख्याल आता है। तू हमारी फिक्र मत कर, हमारे पास है ना तेरे चाचा तेरे भाई बहन, उनके साथ ही रह के हमारा सारा वक्त कट जाना है। अब भी तो तू चंडीगढ़ रहती है, तो भी तो वही रहते हैं हमारे पास। वो मैं नहीं जानती, मैंने नहीं रहने देना आप दोनों को अकेले यहाँ पे। तो क्या करेगी तू, अपने साथ ले जाएगी? हाँ कनाडा। हाँ तो क्या ले जा नहीं सकती? ले जा सकती है, पर लोग क्या कहेंगे? मैं दुनिया की परवाह नहीं करती, बस थोड़ा सेटल हो जाए फिर मैंने आपको ले जाना है यहाँ से। मेरा पुत्र। क्या हुआ, क्या बात है? देख मैंने साहब को बता दिया कि रितु की शादी हो गई थी, लड़का भी भाग गया घर से। हाँ ये बात उनको बताने की क्या जरूरत थी, मैंने तो बीबी जी को कुछ नहीं बताया। तो अब बता दे जाके। हाँ बता तो दूंगी, मुझे ये बता चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? वो मैं तेरे को बाद में बताऊंगा। हाँ और ये भी बता देना कि क्यों भागा। क्यों भागा? क्योंकि उसको पता चल गया था कि छोटे काके का चक्कर है रत्तों से। हाँ ऐसा कैसे कह दूंगी मैं, इसमें गलत भी क्या है?
क्या चक्कर है नहीं उसका हमारी रत्नों से? चक्कर नहीं होता तो क्यों गया था उसका पिंड में वो गाड़ी लेके? क्यों नुमाइश लगा रहा है अपनी लड़की की? इससे हासिल क्या होने वाला है तेरे को? नुमाइश? नुमाइश तो इन्होंने की है हमारी बेटी की। तू सोच, अपनी मर्जी से पहले तो शादी करे लड़का, फिर भाग जाए। क्यों? क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया छोटे काके साथ हमारी रत्नों के चक्करों का। सत्या ना सो जाए छोटे काके का, मुंह सड़ जाए उसका। ऐसी ऐसी जगह खुरक पड़े ना, उसका हाथ ही ना पहुंचे खुरकने के लिए। तुम औरतों की बुद्धि भी ना खुरकने से आगे तुम बढ़ती नहीं हो। मेरी बुद्धि ना जो है जैसी है ठीक है, लेकिन तू अपने दिमाग के घोड़े मत चलाया कर। 2 जून की रोटी मिलती है वो भी हाथ से जाएगी। तुम्हें तो 2 जून की रोटी की पड़ी है, मैं तेरी सारी जिंदगी के इंतजाम करने में लगा हुआ हूँ। तू ऐसा कर, तू मैडम को सवाल, मैं साहब को देखता। कमाल होगी, रात गई सवेरा हो गया, अब तो दिन भी ढलने को है। आदमी गया तो कहाँ गया, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। पहले तो बहुत बेचैन हो रहा था, ताया शादी करवा दे, ताया शादी करवा दे, बोल बोल के मेरे कान खा गया। शादी करवाई तो पहली रात को ही कहीं चला गया। रतन चंद तू क्या बात है? अरे बात कमार गोली, ये बता मेरा मुंडा कहाँ है? और रात को बता तो दिया था तुझे कि रात का कहीं चला गया वो। और कैसे चला गया? अरे तुमने छुपा के बैठा रखा होगा अंदर, हाथ गालो से। बोला ना नहीं है घर में, अगर होता तो तेरे घर ढूंढने आता मैं उसको। ओए रहने दे, तुम्हारे सारे नाटक जानता हूँ मैं। अरे पहले अफीम चढ़ा के मुंडे का ब्याह करा दिया। ओए कहाँ छुपा के रखा है उसे? ओए जिंदा भी है या मार दिया तुम लोगों ने? कैसी बात कर रहे हो तुम, हमने तो कुड़ी का ब्याह किया उसके साथ। ओए चुप कर बुड्ढी तू, मुझे पता है ये सब तेरा करा धरा है। अरे सीधे से बता दे मेरा मुंडा कहाँ है, नहीं तो थाने में जाकर तेरे नाम की रिपोर्ट लिखा देनी मैंने। ओ ऐसा बड़ा लाखों का मुंडा तेरा वारिस है ना, जो उसे कोई अगवा करेगा। ओ फूटी कौड़ी नहीं मिलनी उसकी बाजार में, उल्टा हमें बिठा के उसको रोटियां खिलवानी पड़ेंगी। ओए नहीं था लाखों का वारिस तो क्यों बिया किया अपनी कुड़ी का उस निकम्मे के साथ? हमारी अकल पे पत्थर पड़ गया था, और क्या हुआ था? इस कुड़ी के साथ किया था मेरे मुंडे का बिया? हाँ जी, चार तो पांच हो उसके, ससुराल तेरा। और हाथ छोड़ इसका, कहाँ लेके जा रहा है? ओए कहीं भी ले जाओ, तुझे इससे क्या? ब्याह दिया ना तूने अपनी कुड़ी को, अब चले अपने घर, जोगा बर्तन संभाले। ओए तुम्हारा क्या हक है उस पे? तेरा भी क्या हक है? जिसका हक है वो ले जाए। ओ ये जाएगी तो उसने भी आ जाना सूंघते सूंघते। खबरदार जो मेरी कुड़ी को हाथ लगाया तो। ओ ये तूने ठीक नहीं किया तारा सिंह, मोल चुकाना पड़ेगा तेरे को इसका। और जा जा, जो करना कर ले। हाँ हाँ जा रहा हूँ, लेकिन अब की बार जब आऊंगा ना तो अकेला नहीं आऊंगा, पुलिस को साथ में लेके आऊंगा। जा। हद हो गई, इस आदमी की हिम्मत तो देखो। तू के पीछे खड़ी बातें सुनती रहती है, चल अंदर, खबरदार आगे से आई तो। तू तो कह रही थी रत्तों की शादी हो गई, पर शंकर तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। अब क्या बताऊं बीबी जी, हम तो बर्बाद ही हो गए। शादी तो हम ठीक ठाक करके आए थे, लेकिन सुबह ही बापू का फोन आ गया कि लड़का भाग गया पहली रात को। ऐसी क्या बात हो गई? जिस लड़की के दरवाजे पे शहरी लड़के अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर चक्कर काटते हों, कौन करेगा उस लड़की से शादी? बीबी जी ऐसे कोई चक्कर नहीं काटता, वो तो उसने अपनी फ्रेंड को मिलवाना था इसलिए ले गया था, और कोई बात नहीं है। ऐसे बात का बतंगर ना बनाओ तुम। ये तो आप कह रहे हो ना बीबी जी, पिंड में कौन सुनता है इतनी बात? तो क्या सोचा, क्या करेगी अब? कुछ समझ नहीं आ रहा बीबी जी, हम तो बर्बाद हो गए। भाप की कोई बेटी नहीं है ना, भाप क्या जाने इस माँ का दर्द जिसकी बेटी खराब हो गई हो। मेरे भाइयों को पता लगा ना तो काट देना उन्होंने, और कहाँ गायब हो जाना तुमने कहीं नहीं पता चलना। पर मेरा नाम ही प्रकाश है, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा तेरे को मरिंडा खड़। मैंने शादी कर ली। क्या ये क्या बकवास कर रहे हो मम्मी आप? तेरे को बकवास लग रहा है? उन लोगों की जान का बवाल हो गया है। तू हमारे पिंड की है इसलिए कह रहा हूँ, ऊपर से मेरे दोस्त की बहन भी। अब बोलना जो बोलना है। कमल जसवीर अच्छा लड़का नहीं है,